होते होते अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। अच्छा, हम लोग ना तैयारी में आए थे कि यहाँ पे अगर हमें बर्फ मिलती है तो हमने यहाँ पे क्या करना ना, तो अभी मैंने वो देखें पूरी चेयर जो अंदर जा चुकी है, और ये पाइपलाइन ट्रैक है जो कि फुली इस टाइम लोडेड हो चुका हुआ जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शिराद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शिराद बाइकर। मैं अभी मौजूद हूं मरी और अयूबिया के रास्ते में। यहां पे तकरीबन -3 टेम्परेचर है और लाइव स्नोफॉल आप देख रहे हैं। जो लोग मरी आना चाहते हैं उनके लिए ये मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, मरी और अयूबिया के रास्ते इस टाइम कैसे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ अटक पेट्रोल पम्प जो कि मरी से अयूबिया जाते हुए रास्ते में आता है, और अयूबिया यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर अभी और है। रास्ते की अपडेट और कहाँ से हमने ये ब्लॉग शुरू किया ये सारा आपको मैं बताता हूँ, तो मिलते हैं कुछ देर। अच्छा जी, बाइक एंड बाइकर क्लब की तरफ से आज हम लोग मरी का टूर कर रहे हैं। तमाम मेहमान जो से हैं वो रेडी हैं जी दुआ के लिए। मौसम जो सा ना काफ़ी रोमांटिक किस्म का है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बादल वगैरह, और अभी थोड़ी देर में इस्लामाबाद में बारिश हो जाएगी। इसके अलावा जी मरी में जो है ना वो स्नो फॉलिंग है इंशाल्लाह। आज दुआ के बाद सब लोग जो है ना ये रेडी हो रहे हैं। ये सारे लड़के पहुंच गए और अब हम यहाँ पे रस्सी बांधेंगे बाइक के ऊपर। जितनी भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, साइडों में बर्फ काफ़ी ज़्यादा है और रोड पे स्लिपिंग है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि गाड़ी यहाँ से ना आपकी स्लिप होगी तो आपको आपको क्या नाम है रस्सी वगैरह बांधनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग ना तैयारी में आए थे कि यहाँ पे अगर हमें बर्फ मिलती है तो हमने यहाँ पे क्या करना ना, तो अभी मैंने पिछले टायर के ऊपर रस्सी लगा ली है और अब यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि ये स्लिप ना हो इंशाल्लाह। सर्दी काफी है आज से ना, और अभी मजे की बात यह कि थोड़ी देर में ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले फिर हमें ये चीज खत्म करनी है। तो जब भी आप आए यहाँ पर तो ये चीजें लाजमी साथ लेके आए क्योंकि यहाँ पर आपको ना ये नहीं मिलेगा। ये देखें मेरा बाइक के बैक टायर, इस पर मैं रस्सी कर ली है, और ये फ्रंट है, थोड़ी सी रस्सी कम होगी, इसको मैं ज़रा ना किसी और तरीके से इसे कवर करता हूँ। ये सारे लड़के जो है ना रस्सी चला रहे, मेरी हो गई है जी। व्यूअर्स, ये वो पॉइंट आ गया जहाँ से मैंने आपको इंट्रो दिया था। असल में काफ़ी स्लिपिंग है आप देख रहे हैं, और गाड़ी और बाइक जो है ना बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ये देखें, एक तो स्नो है, फिर ऊपर से जो है ना आपको विजिबिलिटी भी काफ़ी जगह पे कम है। 4x4 जो गाड़ियाँ हैं वो तो आराम से आ रही हैं। अभी कुछ लड़के हमारे पीछे फंस गए हैं, उनका वेट कर रहा हूँ। पेट्रोल पम्प जो है ओपन है, और अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट है ना वो साथ साथ अपना काम कर रही है, रोडों को साफ कर रही है। वाओ, स्लिप होते होते अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। आओ दाहर जॉनसन है वो काफी हार्डली ना 20 या 25 की स्पीड है, कहीं पे तो वो भी खत्म हो जाती है, 5-10 रह जाती है। अच्छा, इस टाइम जो आपको आवाज़ आ रही है टक टक की, ये सब जो रस्सी मैंने चलाई हुई ना टाइम के ऊपर, वो थोड़ी सी खुल रही है या फिर लूज हो गई है, इसलिए ना यहाँ पे काफ़ी स्पीड थी। अच्छा, इसलिए ना ये आवाज़ आ रही है, तो आपने इस आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो कि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं और वेदर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं।
थोड़ी देर के लिए एक पॉइंट पे रुके हैं जी, यहाँ पे काफ़ी ज़रा मंकी हैं, इनको भी असल में पटवारी कहा जाता है। ये हमारा ओए 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 भाग 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 चीज़ें लेके भाग जाते हैं आपकी, तो इनसे ज़रा आपने एहतियात करनी है। यूबिया से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे हैं अभी, और यहाँ पे वेदर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। एक चीज़ थोड़ी सी फ्लॉप हो गई है, ये जो अगले टायर थे ना, इसकी रस्सी टायर में फंसने लगी थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह के मैं देख लिया और रोक के इसकी मैंने काट दिया है। अभी जब जा रहे हैं हम, अभी जब रात को आएंगे ना, यहाँ पे कोहरा जमा हुआ होगा इस पूरे रोड पे, ये जो नॉर्मल अभी पानी है ना, ये कोहरा बन जाएगा, तो तब बहुत शदीद जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कोई अल्टरनेट ढूंढेंगे ताकि हम वापिस आ सके। बाकी ये देखे सारी रस्सियाँ टूटी हुई है, ये शराज भाई का बाइक है, ये भी देखे हमने अभी अभी उतारी है, और हम बाकी दोस्तों का वेट कर रहे हैं। उतर के राम राम से ऐसे चले चलते जाओ। जी भाइयों, अयूबिया हम लोग पहुंच चुके हैं, ये ट्रैक है मुशपुरी का, और ये आगे जो रोड जाता है अयूबिया की साइड से, शदीद किस्म की जो सीना बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी हुई है और रोडों पे स्लिपिंग काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, -5 टेम्परेचर जो सा ना वो शोर है। ये देखें बाइक हम लोगों ने ये खड़े किए हैं। शफीक भाई माशाल्लाह 60 एज में यहाँ तक पहुँचे हैं। सर कैसा रहा आज का? जी ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुई है, बस ये थोड़ा सा रास्ते में ज़रा बर्फबारी की वजह से थोड़ा सा मसला हो, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तकरीबन मरी से लेके ना यूबिया का जो रास्ता है तकरीबन 38 किलोमीटर का, और मुझे 2.5 घंटे लगे हैं क्योंकि रास्ते में ना स्लिपिंग बहुत ज़्यादा थी, तो जो बाइक है ना वो काफ़ी तंग कर रहा था और गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही थी। ये मुशपुरी का ट्रैक है, हमारा प्रोग्राम है ये करने का, लेकिन शदीद जो सर ना बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और रास्ता जो सर वहाँ से क्लोज होता जा रहा है। कुछ लड़के हमारे पास के पीछे, उनका वेट कर रहे हैं। अच्छा, अपने साथ आप कुछ खाने पीने के लिए लाजमी लेके आए, पानी की बोतल लाजमी रखिएगा, अगर खुदा ना साहब रास्ता बंद हो जाता है तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वैसे शॉप वगैरह ये सब कुछ ओपन है। जो जो लोग नहीं आ रहे आज भैया आज दम्मा गली के जो साइन बोर्ड है उसके पास खड़ा हूँ, और ये जो लोग हैं ना इनका ये चाय का और चिप्स वगैरह का बहुत अच्छे रेट हैं, बड़ी खिदमत की इन्होंने, और वो शदीद बर्फबारी में भी इन्होंने वहाँ पे बैठाया भैया भैया ने, इन्हें चाय बहुत अच्छी बनाई है और बहुत अच्छा रेट है। जब भी आप इस साइन बोर्ड के पास आते हैं तो इन दोनों के साथ लाजमी चाय वगैरह दीजिए। शदीद बर्फबारी में हम लोग कर रहे हैं पाइपलाइन ट्रैक, यू एक्चुअली नीड अ यू नो यू नीड अ स्पेड टू पिक अप लाइक लॉट ऑफ स्नो इन फ्रंट ऑफ यू।
अबरार भाई आ जाए वापस। हाँ हाँ आ जाए आ जाए, चला आ जाए, आ जाओ आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए नमक की तरह स्नो है, कोई पता नहीं पैरों। हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाए अबरार भाई। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जी पाइपलाइन ट्रैक से, क्योंकि स्नो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, रास्ता भी बंद हो गया है, तो ये ना हो कि हमारा जाने का रास्ता बंद हो जाए। अच्छा यहाँ पे अब ऐसा है कि हम लोग गलियात के रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ी और वहाँ पर भी रास्ता बंद है, ट्रैफिक जाम हो गया। अब हम यहाँ से एबटाबाद की साइड पर, लेकिन एबटाबाद से पहले एक कालाबाग एक रास्ता आता है, तो हम वहाँ से और मोनाल की साइड पर जाके निकलेंगे, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो भी आगे सूरत हाल होती है, अल्लाह करे हम खैरियत से घर पहुँचे। बाइक की यही, बाकी सारे लोग रेडी हो रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह हरियत से पहुँचे। आपको मैं नोमोलॉजी व्लॉग्स पे वेलकम करता हूँ।